एवरी वेलकम बैक टू मैगनेट ब्रेन मैं हूँ स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं क्लास एट की एंगेजिंग इंग्लिश बुक जहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया चैप्टर द चैप्टर नंबर एट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोदेलाज इन द मिस्ट बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है इट इज रिटन बाय डैन फॉसी फॉसी ने ये जो चैप्टर लिखा हुआ है उनके एक्सपीरियंसेस लिखे हैं शी इज़ लाइक एन एक्सप्लोरर अ प्रोटेक्टर जो रेन फॉरेस्ट जहाँ पे गोरेलास रहते हैं जैसे रेन फॉरेस्ट जो होते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहीं पे गोरेलास जो हैं वो पाए जाते हैं वहाँ की बॉटम लेयर में पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो गोरेलास का एक पूरा जो लाइफ को स्टडी करना उनको प्रोटेक्ट करना क्योंकि बहुत सारे पोचर्स होते हैं गोरेलास जो है, वो हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं तो जो पोचर्स थे उनको प्रिवेंट करना किस तरीके से आप जो हो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ में रह रहे हो जहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रह रही है आपको सारे जो कंफर्ट्स हैं लाइफ के वो नहीं मिल रहे हैं किस तरीके से आपका जो डिफरेंट एनकाउंटर होता है उनके साथ कभी बहुत अच्छा कभी थोड़ा सा स्केर एनकाउंटर ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अब इस चैप्टर में ये जो आपका चैप्टर है ये इसी बुक में ये जो बुक है गोरिल्लास इन द मिस्ट ये जो बुक लिखी है डैन फॉसी ने इसके छोटे छोटे एक्सर्प हैं मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग इंसिडेंट्स दिए हुए हैं तो ये एक फ्लो में नहीं है डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं और लास्ट में हमें उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नाउ डैन फॉसी नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आर ऑथर डैन फॉसी वॉज एन अमेरिकन जोलॉजिस्ट एंड प्राइमेटोलॉजिस्ट तो ये एक जोलॉजिस्ट और प्राइमेटोलॉजिस्ट थी शी एस्टेब्लिश द केसॉक रिसर्च सेंटर एंड एक्टिवली अपोज पोचिंग इन द रीजन अब ये जो थी ये एक ज़ुलॉजिस्ट थी प्लस इन्होंने जो है कैरेसॉक रिसर्च सेंटर जो इसको कैरेसॉकी भी बोल सकते हैं कैरेसॉकी रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने स्टार्ट किया था प्लस पोचिंग के अगेंस्ट बहुत एक्टिवली काम किया था उन्होंने शी फाउंडेड द डजट फंड आफ्टर हर फेवरेट गोरेला डजट वॉज किल्ड बाई पोचर्स पोचर्स कौन होते हैं जो इलीगली हंट करते हैं फ़ॉर स्किन फ़ॉर उनके जो हॉर्न होते हैं या फॉर उनका जो जो मीट होता है किसी भी चीज़ के लिए तो जो इलीगल हंटिंग होती है वो पोचर्स होते हैं ठीक है ठीके? तो अब क्या हुआ उनका एक फेवरेट गौरला था जिसका नाम था डिजिट तो डिजिट को पोचर्स ने मार डाला और उसके लिए उसके बाद जो है शी स्टार्टेड अ डिजिट फंड उन्होंने डिजिट फंड जो था फ़ाउंड किया था द फंड इनेबल्स एंटी पोचिंग पेट्रोल्स टू कंटिन्यू इन द एरिया टूडे और वो जो फंड है वो जो फंड रेस किया उन्होंने जो पैसा है उसकी वजह से आज भी एंटी पोचिंग पेट्रोल्स पेट्रोल्स का मतलब क्या होता है जो आप लगातार जो है आपके पास सदेरा पीपल हुआ कंटिन्यूसली गार्डिंग की कोई पोचर तो नहीं आ जाए तो इसके लिए इसके लिए भी पैसा चाहिए था यू हैव टू पे दोज पीपल तो उसके लिए उन्होंने फंड स्टार्ट किया ताकि ज्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाएं और वो लोग देखें कि कोई पोचर आसपास ना रहे Fossi is believed टू हैव बीन मर्डर्ड by द एनिमीज शी मेड इन हर एफर्ट टू प्रोटेक्ट द gorillas. अब ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी कोई अच्छा काम करते हो आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि जो इलीगली ये काम कर रहे थे जो लोगों को इनकी स्किन चाहिए जो लोगों को इनका फेस चाहिए क्योंकि गोरेला ये जो फेस होता है इनकी स्किन होती है बहुत बहुत हाई प्राइस पे बिकती है तो अब पोचस के लिए तो ये गलत बात हो गई ना दैट फॉसी वॉज लाइक इट वॉज शी वॉज डूइंग एवरी थिंग फॉर देम सो इट इज़ बिलीव्ड कि उनकी जो है जो जो हुई थी that was because of a murder. जो कि उन्होंने जो इतने अपने दुश्मन बना लिए थे उनका मर्डर हो गया था ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस चैप्टर तो इस चैप्टर के बारे में पहले क्या दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे Dan Fossey was an exceptional woman who devoted her life to the study and protection of mountain gorillas in Rwanda, Africa. So, Dan Fossey was an exceptional woman. Thi. Matlab, she was an extraordinary woman who apni Puri life devote kar di to study about the gorillas and to protect the gorillas of Rwanda, Africa. She went to Africa in 1966 and high up in the Virungas. वरोंगा रेन फॉरेस्ट तो वो 1966 में अफ्रीका गई थी और फिर वहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट गई जो कि कौन सा रेन फॉरेस्ट है वायरुगाज रेन फॉरेस्ट शी अचीव द क्लोज कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप विद द माउंटेन गोरेज वहाँ पे माउंटेन गोरिल्लास के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ गया शी वॉज लाइक शी है वॉज इन अ क्लोज रिलेशनशिप विद दैम At first, she made inexperienced approaches to the animals, but later became their friend. Initially, when she was unaware of these animals and the animals were unaware of her, तब वो inexperienced approaches, inexperienced approaches का मतलब क्या होता है Not experienced, lacking knowledge. उन्हें नहीं पता था कि कैसे आप उनको treat करना है गोरेला से किस तरीके से friendship करनी है या किस तरीके से आपको उनसे बात करनी है या आपको अपना presence उनको feel कराना है so that they are not scared and they are ready to talk to you. टॉक टू यू एज इन दे आर रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू इन देअर ओन वे तो इनिशियली वो इन एक्सपीरियंसड अप्रोचेस जो थी वो आ, मतलब क्रिएट करते थे बट लेटर बिकेम देअर फ्रेंड लेकिन बाद में वो उनकी फ्रेंड बन गई द फॉलोइंग हर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर डायरी तो उनकी जो डायरी है उसमें से छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर रिकॉल्स द नेम ऑफ द बुक शी रोट अबाउट हर एक्सपीरियंसिस तो ये उनकी डायरी से छोटे छोटे एक्सर्प्ट लिए गए हैं और इस जो चैप्टर का टाइटल है गोरेला मिस्ट ये बाद में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका जिसमें उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था उस बुक का टाइटल लिया गया है इस चैप्टर के टाइटल के लिए ओके okay? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टूडे सानविकवी एंड आई वो चार्ज्ड बाय टू गोरिल्लास एंड इट वाजंट अ ब्लफ चार्ज दे वॉज अट तो सानविकवी कौन है एक गोरेला ट्रैकर है जो ट्रैक करता है कि गोरेला कहाँ पे है तो सानविकवी और मैं जो थे हम दोनों को किसने चार्ज किया गोरिल्लाज ने चार्ज किया चार्ज करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है मतलब अटैक करने की कोशिश करना तो हम पे दो गोरेलाज ने अटैक किया एंड इट वाज नॉट अ ब्लफ चार्ज और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हमें प्रटेंड कर रहे हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं ब्लफ नहीं था वो दे रियली मेंटेड वो लिटरली हम पे अटैक कर रहे थे वी वर अबाउट हंड्रेड एंड फिफ्टी फीट डायरेक्टली डाउन हिल फ्रॉम अ ग्रुप ग्रोप अ सिल्वर बैक एंड अ फीमेल डिसाइडेड टू रेडिकेटर्स हम ऑलमोस्ट जो थे हंड्रेड एंड फिफ्टी फीट डायरेक्टली डाउन हिल थे मतलब वो लोग ऊपर थे और हम डाउन हिल थे ऑलमोस्ट डेढ़ सौ फीट का डिफरेंस था फ्रॉम अ ग्रुप उस ग्रुप से हम इतना दूर थे तभी क्या हुआ एक सिल्वर बैक सिल्वर बैक मतलब गोरेला विच इज़ ब्लैक इन कलर लेकिन जिसके जो होते हैं सिल्वर मेल माउंटेन गोरेला होता है जिसके व्हाइट या सिल्वरी हेयर होते हैं अक्रॉस हिज बैक जिसके बैक पे व्हाइट या सिल्वरी हेयर होते हैं तो एक सिल्वर बैक और एक फीमेल गोरेला ने हमको इरेडिकेट करने की ठान ली मतलब हमें किल करने की ठान ली they gave us a split second of warning with screams and roars and that seemed to come from every direction and once before they descended in a gallop that shook the ground सो so, उन्होंने हमें स्प्लिट सेकेंड मतलब एक मोमेंट की वार्निंग दी स्प्लिट सेकेंड मतलब आधे सेकेंड की वार्निंग दी बाय देयर स्क्रीम्स एंड जोस मतलब वो एकदम चिल्लाए दहाड़े जो जिस तरीके से वो मारते हैं ना अपनी चेस्ट को तो उस तरीके से दे डिड इट एंड दैट सीन ऐसा लग रहा था वो जो आवाज वो हर डायरेक्शन से आ रही है बिफोर दे descended, descended descended का मतलब होता है नीचे उतरना और gallop का मतलब होता है बहुत ही फास्ट रन मतलब तभी वो जो है माउंटेन से फुल स्पीड में रन करते हुए नीचे आ रहे थे दैट शुक द ग्राउंड वो इतनी सोच से आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था पूरी जमीन हिल रही है आई was डिटरमाइंड टू स्टैंड फास्ट अब यहाँ पे स्टैंड फास्ट का मतलब क्या है रिफ्यूज टू abandon वंस ओपिनियन और बिलीफ तो आई was डिटोमाइन टू स्टैंड फास्ट मतलब मैंने सोच लिया था कि नहीं ये लोग कुछ नहीं करेंगे बस मुझे सिंपल खड़े रहना है बट वेन दे ब्रोक थ्रू द फॉलियाज लेकिन जब उन्होंने वो फॉलियाज को पूरा फोलियाज से गुजरते हुए वो आ गए अब फॉलियाज का मतलब क्या है प्लान्स पूरा जो प्लान्स का एक बहुत बड़ा क्लम था क्लस्टर था जब उसमें से वो आ गए एट अ डेड रन मतलब फुल स्पीड में जब उसको वो चीरते हुए आ गए डिरेक्टली अबव मी और वो एकदम बस मेरे ऊपर कूदने ही वाले थे आई फेल्ट माई लेग्स रिट्रीटिंग इन स्पाइट ऑफ वॉट आई हैबाउट गोदेलाज नाउ नॉट चार्जिंग फुलिस मैंने हमेशा से गोरेलाज के बारे में ये पढ़ा था कि वो प्रटेंड करते हैं कि वो आप पे अटैक कर रहे हैं लेकिन वो नहीं करते हैं मतलब वो हमेशा से जो है दे डू नॉट लाइक टू अटेंड मतलब अटैक लेकिन वो करते हैं तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये लोग प्रटेंड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे बस अपनी जगह पर खड़े रहना है लेकिन वेन आई सो दोलाज लाइक रनिंग एट अ डेड स्पीड अपने आप मेरे पैर पीछे जाने लग गए रिट्रीट होने लग गए मतलब दे स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड्स नाउ I paused long enough to try to dissuade them with my voice, which only seemed to aggravate them more if possible. And when their long yellow canines and wild eyes were no less than two feet away, I took a very ungainly nose dive into the thick foliage alongside the trail. So क्या हुआ? जैसे I saw them कि वो उतनी स्पीड से जंग करते हुए आ रहे हैं, मेरे पैर थोड़ी देर बाद अपने आप पीछे जाने लगे। I paused. लॉन्ग इनफ मतलब मैंने पूरी कोशिश करी टू देम विद माई वॉइस मतलब कि मैं उनको जो है कुछ बोलूं उनसे और वो जो है dissuade हो डिस बट दैट ओनली एग्रीवेटेड वो उससे और ज्यादा गुस्सा हो गए और स्पीड में मेरी तरफ आने लग गए नाउ their long लॉन्ग canines and एंड वाइल्ड were no लेस देन two फीट अवे मतलब येल्लो लॉन्ग कैनाइंस केनाइंस का मतलब क्या होता है किसी भी मैमल के जो सबसे बड़ा दांत होता है उसको कैनाइंस कहते हैं तो जब वो एकदम बहुत ज्यादा जो है दो फीट अवे आया गया मुझे उनकी आईज दिखाई दे रही थी उनके टीथ दिखाई दे रहे थे देन आई टुक अ वेरी अनगेनली नोज डाइव अनगेनली मतलब बिल्कुल रफ एकदम पॉइसड नहीं बहुत ही मतलब बस जंप कर गई मैं नोज डाइव मतलब उस तरीके से जब आप जंप करते हो एकदम ऐसा कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन द थिक फॉलियाज जो ट्रेल था ट्रेल मतलब जो रास्ता था रास्ते के जस्ट बगल में एक फॉलियाज था फॉलियाज मतलब जो थिक पेड़ होते हैं मैंने वहां पे जंप कर दिया नाउ दिस वॉज वन एनकाउंटर दैट आर राइटर हैड विद गोले अब हम दूसरा इंसिडेंट देखते हैं I have just about finished fixing up a room in the hut and it looks great. I have pictures, skins, tusks, and horns hanging here and there, and I have made curtains out of some African printed material. Now she's talking about another part of her life where she has just shifted into a hut. Forest mein down ho rahi hai and she has just finished. लाइक यू नो फिक्सिंग अप फिक रूम फिक्सिंग अप रूम मतलब रूम पूरा सेट किया उन्होंने उनके पास वहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं स्किन्स हैं टस्क हैं हॉर्न हैं एनिमल्स के जो उन्होंने इधर उधर लगाए हुए हैं इवन जो उनके कर्टन्स जो हैं वो भी कुछ अफ्रीकन प्रिंटेड मटेरियल के हैं अ फाइव प्लेस विल बी बिल्ट नेक्स्ट वीक और वहाँ पर एक फाइव प्लेस जो है नेक्स्ट वीक तक बन जाएगा वर्क इज गोइंग वेल

टू बी परफेक्टली फ्रेंक आई थिंक दे आर क्वाइट कन्फ्यूज दिस इज नॉट वन दिस इज आई आई थिंक दे आर क्वाइट कन्फ्यूज एज डो माई स्पीशीज मुझे लगता है वो लोग जो है ये ह्यूमन स्पीशीज़ को देख के थोड़े कन्फ्यूज हैं आई हैव गॉटन दैम अकस्टम टू मी बाई एपिंग देम एंड दे आर फैसिनेटेड बाय माई फेशियल ग्रेमिसस एंड अदर एक्शंस डेट आई वुड नॉट बी कॉट डेट डूइंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन अब क्या है मैं जो हूँ उनको जो है मतलब मॉक करती हूँ उनको इमिटेट करती हूँ अलग अलग फेसेस बनाती हूँ एंड आई थिंक दैट दे आर अकस्टम्ड टू मी अब जो है उनको मेरी आदत हो गई है और मैं ऐसे ऐसे एक्शंस करती हूँ उनके सामने जो मैं बाकी लोगों के सामने करने का सोचूंगी भी नहीं बिकॉज ऑफ द इनक्रीज प्रॉक्सिमिटी आई हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व अ लॉट नेवर रिकॉर्डेड बिफोर अब जो है मैं उनसे बहुत पास आ गई लाइक थर्टी फीट इज लाइक अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो अब जो है इतना छोटा डिस्टेंस है तो अब मैं उन लोगों को और पास से फॉलो कर पा रही हूँ उनको स्टडी कर पा रही हूँ एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स डेट आई नेवर न्यू अबाउट गोरेलाज जो अब मैं सीख रही हूँ जो आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है लास्ट वीक टू ऑफ देम अप्रोच मी टू विद इन ट्वेंटी फ़ीट एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप रिमेन एट थर्टी फाइव टू सिक्सटी फ़ीट फॉर ओवर एन आवर लास्ट वीक जब मैं गोरल से मिलने गई थी तो दो जो है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फीट दूर खड़े थे मुझसे और बाकी जो उनका पूरा ग्रुप था वो थर्टी थर्टी फाइव सिक्सटी फीट जितना ही दूर था आई हैड टू यूज माई थ्रेट फेस वंस डोंट लाफ इट्स क्वाइट इफेक्टिव वेन वन ऑफ दिल्लर बैग्स बिगिन टू गेट कैरीड अवे एक बार मुझे अपना थ्रेट फेस एकदम यूज़ करना पड़ा था एंड देन शी इज that डोंट लाफ ओके आई हैव गॉट अ थ्रेट फेस थ्रेट फेस एंड इट इज क्वाइट इफेक्टिव क्वाइट इफेक्टिव मतलब वो जो मेरा थ्रेट फेस है वो डेफिनेटली काम करता है एक बार वो कैरी अवे हो गया कैरीड अवे हो गया मतलब वो ब्लफ कर रहा था वॉज लाइक ट्राइन टू रन एंड यू नो स्के वॉज बीटिंग हिस्स एंड ऑल बट आई डिड नॉट यू नो आई मीन आई डिड नॉट गेट अ फ्रेड एट ऑल आई वॉज ड्यूटिफुल्प्रेस विद दिस प्राउस मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ देख के मैं काफी इंप्रेस हो गई थी बट डिसाइडेड अप्रोक्सिमिटी वॉज बीइंग स्ट्रेंड लेकिन मुझे समझ में आ गया प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस तो हमारी जो प्रॉक्सिमिटी थी क्लोजनेस थी अब वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी सो टर्न अरेबल ग्रिमे सेट ऑन हेम तो मैंने उसकी तरफ जो है एक हॉरिबल एकदम डराने वाला जो था लुक दिया उसको विच हैड द इफेक्ट ऑफ अ फ्लावर ऑन फूड मतलब जो एकदम से जिससे वो रिलैक्स हो गया इमीडिएटली ही सेट डाउन एंड बिगेन टू ईट नर्वसली एंड विद वन आई ऑन मी तो इमीडिएटली जैसे ही मैंने उसको वैसे देखा वो चुपचाप वहाँ जाके बैठ गया एंड ही स्टार्टेड ईटिंग जिसमें से उसने एक नज़र मेरे ऊपर रखी हुई थी ंग इनफ टू ट्राई टू डिसम विथ माई वॉइस अब मैंने बहुत देर तक जो है आई पॉज लॉन्ग इनफ टू ट्राई टू डिसम विध माईट दैम मो सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन ये गलती से यहाँ पे आ गया है एंड नाउर वी विल गो फॉरवर्ड ओके दिस इज ऑल वी हैव डन नाउ वेन अब अब एक जो है नेक्स्ट इंसिडेंट है तो अभी हमने जो पढ़ा हमने दो इंसिडेंट्स पढ़े हैं फॉसी की लाइफ में सिंस द टाइम शी स्टार्टेड सर्विंग द गोरेलाज एक जब उस पर अटैक हुआ था दूसरा व्हेन शी स्टार्टेड गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ द गोरेज अब हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा इंसिडेंट जब फॉसी का जो फेवरेट गोरे था डिजिट ही ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर नाइनटीन सेवेंटी सेवन She wrote to the president of Rwanda Republic asking for the men to be punished and to the National Geographic Society. But if she was so hurt and she needed justice. सो so, उसने जो है रौंडा रिपब्लिक के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था आस्किंग कि जिन लोगों ने जिन पोचर्स ने जो डिजिट है उसको मारा है उनको सजा मिलनी चाहिए ऑल्सो शी रोड टू नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी इन हर डायरी शी रोट अबाउट द आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ मतलब होता है द कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ सिग्निफिकेंट अंड इवेंट कोई भी एक अनप्लेजेंट इवेंट होता है कोई भी एक दुर्घटना होती है उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं शी हैड रिटर्न दैट जस्ट एज वी वर अबाउट टू स्टार्ट दी जैसे ही हम ऑटोप्सी स्टार्ट करने वाले थे मतलब किसकी ऑटोपसी हो रही है ऑटोप्सी मतलब क्या हो रहा है किसी भी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन जो आप करते हो तो जब हम डिजिट की बॉडी का एग्जामिनेशन करने वाले थे माई वुडमैन वर्किंग अबाउट फिफ्टी फीट फ्रॉम माई हाउस मेरा जो वुडमैन था बेसिकली एक तरीके से जो वॉचमैन था जो घर से ऑलमोस्ट फिफ्टी फीट दूर होगा ही बिगेन ये स्वाहिली क्या है एक लोकन अफ्रीकन लैंग्वेज है तो वो जोर जोर से स्वाहिली में क्या बोलने लगा पोचर्स पोचर्स द वुडमैन हैड सीन अ पोचर विद बो एंड एरोज जस्ट ऑन द एज ऑफ द कैंप एरिया उसने जस्ट कैंप एरिया के एज पे किसको देखा एक पोचर को देखा जिसके हाथ में बो और एरो था नो पोचर्स हैव डेयर्ड कम नियर camp for फॉर एटलीस्ट थ्री years. पिछले तीन सालों से मेरे कैंप एरिया के आसपास कोई पोचर नहीं आ पाया था आई येल टू माई कैम्प स्टाफ टू चेज द पोचर्स मैंने अपने पूरे कैंप स्टाफ को बोला जाओ उनको पकड़ो वाइल आई ग्रैप्ड माई गन तो मैंने जो थी अपनी जो गन रखी जो कि लीगली रजिस्टर्ड नहीं थी एंड रैन आफ्टर देम और मैं भागी पोचर्स को पकड़ने के लिए I kept running and shooting up in the air to keep him from crossing the main open meadows above camp, where he could have disappeared into the forested areas. तो मैं रन कर रही थी और मैं ऊपर जो है हवा में शूट कर रही थी ताकि जो पोचर है वो ये ओपन मेडोज से आगे ना जा पाए क्योंकि अगर एक बार वो गया तो फिर वो फॉरेस्ट लैंड में चला जाएगा और फिर वो डिसअपेयर हो जाएगा हम नहीं पकड़ पाएंगे My men captured him there along with a blood-stained bow and five arrows. Finally, जो मेरे आदमी थे उन्होंने उस पोचर को कैप्चर कर लिया जिसके हाथ में एक ब्लड स्ट एंड बो था मतलब कमान था और पाँच तीर थे फाइव एरोज थे ही वॉज अ बेबी फेज लिटल त्वा एंड वन ऑफ digit's killers. वो उसका जो फेस था एकदम बेबी फेस था वो एक तोा था तो मतलब क्या होता है एक एफ्रीकन ट्राइब And he was one of डिजिट किलर्स मतलब डिजिट को मानने वालों से वो एक था ऐस ही एडमिटेड उसने ही एडमिट किया बोथ द फ्रंट एंड बैक ऑफ इस स्टैटर्ड येलो शर्ट वेड विथ फाउंटेन्स ऑफ डिजिट्स ड्राइड ब्लड उसकी जो शर्ट थी येलो कलर की एक बहुत ही फटी पुरानी सी शर्ट थी उसमें दोनों आगे और पीछे पूरे ब्लड स्टेन्स थे और वो ब्लड किसका था वो डिजिट का ब्लड था वी ब्लॉट हिम बैक कैंप एंड टाइड हिम अप वाइल वी वेंट ऑन विद पुअर डिजिट्स ऑटोपसी हमने उसको हम कैंप में लेके आए और उसको हमने बांध दिया और फिर वापस जो थे डिजिट की जो ऑटोपसी करनी थी हमको उसके जो बॉडी का डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन करना था हमने उसे कंटिन्यू किया इट वॉज अ ग्रूसम बिजनेस वो एक बहुत ही ख़राब काम था इन दैट द स्पेयर्स हैट पेयर्स पेयर्स सो मैनी ऑफ इज ऑर्गन्स जो स्पेयर्स थे जो भाले होते उसने उसके कितने ऑर्गन्स को जो था पूरा बुरी तरीके से मतलब जो है हर्ट किया था लंग हार्ट स्प्रीन इंटेस्टेंस एंड स्टमक सब जो थे बुरी तरीके से पियर्स हो गए थे मतलब उन्होंने एकदम चुबा दिया था तो फट गए थे सब When we finished, we finished, went inside my cabin for a bit of lunch that nobody felt like eating. पूरा हो गया तो हम मेरे केड़, केड़ में गए लंच करने के लिए ले, लेकिन किसी का खाने का मन नहीं किया While this was being prepared, my Africans were outside with the Twa examining him. बाकी जब हम ये सब काम यहाँ कर रहे थे तो जो मेरे बाकी जो African men थे वो Twa को examine कर रहे थे वो उसे पूछताछ कर रहे थे We hadn't been in five minutes when all hell broke loose and my men began screaming poachers again. मतलब पांच मिनट भी नहीं हुआ था इन सारी चीजों को और अगेन जो मेरे आदमी थे वो पोचर्स पोचर्स चिल्लाने लगे When all hell broke loose मतलब suddenly जो पूरी सिचुएशन थी वो noisy हो गई क्योटिक हो गई आई थॉट द ओरिजिनल प्रिजनर है मुझे लगा जो ओरिजिनल प्रिजनर है वो बाहर है वो भाग्य होगा और मैं एकदम से बाहर गई बट इन फैक्ट थ्री ऑफ हिस्स अकम्पलिस हैड क्रेप्ड अप टू लुक फॉर हिम एंड वो सीन बाय मैन लेकिन जो उसके साथ के जो तीन अकम्पलिस थे मतलब तीन जो उसके साथी थे मेरे मैन ने उनको देखा था कैम्प के आसपास वो लोग इसको ढूंढने के लिए आए थे माई आफ्रीकन एंड आई बिगेन अनादर चेज हमने फिर उनको पकड़ने के लिए हम गए बट आई हैड टू गिव अप दो दे फॉलो द ट्रैक्स फॉर अनदर टू आवर्स विदाउट रिजल्ट लेकिन मैं फाइनली गिव अप करना पड़ा और मेरे जो बाकी के लोग थे उन्होंने दो घंटे तक उनको चेस करने की कोशिश की लेकिन फाइनली गिव अप कर दिया आई रिटर्न टू कैंप टू गार्ड द त्वा मैं वापस आ गई और मेरे को मेरे को आई है sure कि ये बस जो है भागे नहीं यहाँ से वी इंटरव्यूड हेम क्वाइट लेट मतलब अनटिल क्वाइट लेट एट नाइट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर इंटरगेशन वी ऑप्टेन द नेम ऑफ ऑल डिजिट किलर्स तो हमने उसको रात में काफ़ी आधी रात तक काफ़ी देर रात तक हमने उसको इंटरोगेट किया और फाइनली हमको डिजिट के सारे किलर्स के नाम पता चल गए

हेड पोचर था इनका जो लीडर था उसको सिर्फ ट्वेंटी डॉलर्स के लिए कहा था कि आप एक सिल्वर बैग सिल्वर बैग गोरला जो है उसका हेड और हैंड्स लेके आओ तो सिर्फ ट्वेंटी डॉलर्स के लिए उन्होंने इस गोरिल्ला को किल कर दिया डिजिट वॉज अ यंग सिल्वर ब्लैक सिल्वर बैग मतलब डिजिट जो था यंग सिल्वर बैक था दु टू होप टू फाइंड अ टूरिस्ट हु मच मोर फॉर सोवेनियर्स हुतु को लगा कि जो एक कोई टूरिस्ट आएगा वो इन सोविनर्स के लिए उसको बहुत सारे पैसे देगा तो वो उसने उसका हाथ और उसका जो सर था वो कटवा दिया द त्वा प्रिजनर टोल्ड अस ही न्यू वेयर डिजिट्स हेड एंड हैंड वो बरीड तो जब वो ऑटोपसी कर रहे थे तो उस गोरेला का ना हेड था ना उसके हैंड्स थे क्योंकि वो काट दिए गए थे द ओनली थिंग रिमेन वॉज द बॉडी और फिर जो त्वा प्रिजनर था उसने बताया उसे पता है कि डिजिट के जो हेड है और उसके हैंड कहाँ पे बरीड हैं कहाँ पे छुपाए हुए हैं अंडर अ क्लम्प ऑफ बैम्बू तो वो उसके जो है मुन्यालुकीको के घर के पास में एक क्लम्प ऑफ बैम्बू के नीचे रखे थे उन्होंने द नेक्स्ट डे सेंड डाउन अ मैसेज टू द शीफ द ब्रिगेट्स पॉलिन निकोबली saying we had caught one of Digit's killers and that I would not release him to the park guards who have a way of losing their prisoners। उसने कहा फिर उसने जो है chief brigadier जो वहाँ पे था Pauline Nikubli उसको एक message भिजवाया कि हमने जो digit के जो killers हैं उसमें से एक को पकड़ लिया है

दतवार डाउन टू अ मिलिट्री सिक्योरिटी कंपाउंड वेयर ही इज बीइंग हेल्ड वेयर ही इज बीइंग हेल्ड अवेटिंग प्रेसिडेंशियल डेक्री एज टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पनिशमेंट तो मैंने जो तुआ है उसको उन लोगों को लेके जाने के लिए दिया वो लोग कहाँ लेके गए नीचे ही उनका मिलिट्री सिक्योरिटी कंपाउंड था जहाँ पे उसको रखा गया ताकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए और फिर वो उसको पनिशमेंट दे सके निकुबली सी एम समिनुबली को ऐसा लग रहा था मुझसे डरा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया क्यों क्यों डरा हुआ होगा कुछ भी हो जाए दिस पर्सन हैजिश्ड आई कैन सेट दो वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव एवर डर्न इन माई लाइफ अब वो ये कह रही है कि तुआ को जाने देना, उस को जाने देना, देना उस जिसने मेरे डिजिट की जान ली थी। वो सिर्फ डिजिट की मेमोरी में जो है उसको हमने जाने दिया अदरवाइज बैक फ्रॉम अमेरिका थ्री इयर्स लेटर फॉसी रिटर्न टू हर बिलवर्ड गोरिल्लास अब हम जो है लास्ट इंसिडेंट की तरफ जा रहे हैं जहां पे फॉसी जो है वो अफ्रीका से अमेरिका चली गई एंड आफ्टर थ्री ईयर्स शी रिटर्न बैक टू हर बिलिवट गोदिलस हियर शी डिस्क्राइब्स हर जॉयफुल विद विदम और अब यहाँ पर वो बता रही है कि उसका रियूनियन अपने गोदिल्लाज के साथ कैसे हुआ

अब जो थे वहाँ पे जो फीमेल्स थी जो गोरिल्ला फीमेल गोरिल्लास थी और जो यंगस्टर्स थे टोटल सिक्सटी थे वहाँ पे दे वर ऑल रेस्टिंग इन थिक वेजिटेशन वो पेड़ों के बीच में जो है उन्होंने अपना एक नेस्ट बना लिया था नेस्ट मतलब वो जो एक तरीके से गड्ढा जैसा होता है उसमें वो लोग बैठते हैं तो वो वहाँ पर जो है सन के सन में एक तरीके से सन बात ले रहे थे रिलैक्स कर रहे थे रेस्ट कर रहे थे वेन आई गॉट माई ब्रेथ आई वर्कड माई आई वर्कड माई वे डाउ डाउन टूवर्ड्स दैम तो जैसे ही आई वॉज लाइक जब मैं चढ़ गई मैं रिलैक्स हो गई तब मैं उनकी तरफ जाने लगी दो आई कुड सी ओनली द ओकेशनल वन मतलब मैंने जो थी मैं मैं मैंने एक ही को देखा वेन आई गोट ट्वेंटी फीट फ्रॉम देम जब मैं उनसे बीस फिट की दूरी पर थी आई सेट डाउन एंड बिगेन मेकिंग फर्सी स्टाइल इंट्रोडक्शन नॉइस

हु माई हैड नॉन सन्स नाइनटीन सिक्सटी सेवन और वो जो थी उसके छः बच्चे थे जो गोदिल्ला थी एफ ही उसके छः बच्चे थे और मैं उसको नाइनटीन सिक्सटी सेवन से जानती थी शी है शी हैड हैड अव बेबी इन माई एबसेंस उसका एक नया बच्चा भी हुआ था मेरे एबसेंस में जिसका नाम था मैगी हु श्योर डेंट बिलीव इन मेकिंग शाए और वो बिल्कुल भी शाई नहीं था मैगी केम्स क्रैबलिंग ओवर राइट अवे नॉट टू लुक एट मी बट टू इन्वेस्टिगेट माई क्लोदिंग एंड इक्विपमेंट मैगी तुरंत मेरे पास आ गई और वो मुझे देखने के लिए नहीं आई थी मेरे इक्विपमेंट्स मेरे कपड़े ये सब देखने के लिए आई थी एफी ग्लैंस्ड माई वे वाइल चूइंग ऑन अ स्टॉक ऑफ सैलरी सो एफी ने मेरी तरफ देखा वाइल शी वॉज चूइंग ऑन अ स्टॉक ऑफ सैलरी सैलरी क्या है इट इज़ लाइक जो मतलब एक तरीके के पत्ते होते हैं वो एक लीफ होती है जिसे खाया जाता है शी लुक दबल टेक माओपिक वो उसने अलग देखा फिर वो वापस उसने मेरी तरफ देखा एकदम मायोपिक मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन किया उसने एज इफ नॉट बिलीविंग हर eyes. ऐसा लग रहा था जैसे शी इज नॉट एबल टू बिलीव हर आइस उसने क्या देखा देन शी टॉस उसने सैलरी को साइड में फेंका जो वो खा रही थी एंड began वॉकिंग रैपिडली towards me. मी और वो जल्दी जल्दी चलते हुए मेरे पास आ गई

देन टक टू डेड अ सेकेंड टेक उसने भी मुझे फिर से देखा शी ड्रॉप्ड मैगी एंड वॉकड राइट अप इन फ्रंट ऑफ मैं उसने मैगी को छोड़ा वो मे मेरे पास आ गई रेस्टिंग हर वेट ऑन हर आर्म्स आप अब वो उसने जो अपने वेट थे वो फ्रंट आर्म्स में रख दिए ताकि वो मेरी हेड टू हेड आके देख सके मुझे सो देट हर फेस वॉज लेवल विथ माइंड एंड ओनली अ कपल ऑफ इंचज हवे तो वो आके मुझे पास से देख मतलब बहुत ही पास से देखने लगी she stared intently into my eyes and it was eye to eye contact for 30 or 40 seconds usne itna mujhe gaur se dekha 30 40 seconds tak dekhti rahi not knowing quite, what to do for i had never had this reaction from godillas before i squished myself flat on the bed of vegetation अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्योंकि मेरे को गोदिल्ला से ये reaction कभी नहीं मिला था तो मैं वहाँ पे बैठ गई वहाँ पे अच्छे से बैठ गई वेर अबॉन्ट शी स्मेल्ड माई नेक एंड हैड एंड नेक उसने मेरा नेक स्मेल किया हेड स्मेल किया एंड देन मेरे बगल में बैठ गए मी उसने मुझे गले लगा लिया गॉड शी डेंट रिमेम्बर मेरे गौरल्लास को मैं याद थी टग बिगेन क्रूनिंग एंड आई क्रून बैक तो टक जो है वो एकदम क्रून मतलब होता है लो वॉइस में सिंग करना और मैंने भी क्रून किया एफ हैड कम अपन एंड शी टू स्टार्ट स्ट्रेट इन टू माई आईज उसने भी एफ ई भी आ गई उसने भी मुझे देखा उसने भी जो है सेम मुझे स्निफ किया एंड देन पाइल्ड अप ऑन द टू ऑफर्स एंड आई वॉज रियली स्क्वेस्ड और हम मतलब एक ने इम्रेस किया था दूसरे ने भी कर लिया हेयर हर एंड टक्स प्लेन टमर्स रीच्ड अदर क्लैंड में, मेंबर्स अब उनकी जो आवाजें थी वो बाकी के लोगों के तक भी गई एंड वन बाई वन एवरीबडी केम कैम सारी फ़ीमेल्स सा आ गई

सब जैसे सेटल हो रहे थे तो सब हम साउंड जो है वो निकाल रहे थे ऐसा लग रहा था वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम थी कहा इतने दिन तक तुम थी कहा नॉट टू बी लेफ्ट आउट द यंगस्टर्स दस अस टू और जो यंगस्टर्स थे अब वो भी आ गए थे जोजी कैंसबी पैब्लो एंड मैगी रियली टू एडवांटेजेस ऑफ द ट्रस्ट देयर मदर्स वर शोइंग टू वर्क मी ओवर जेंटली हिटिंग नेबलिंग पिंचिंग मी एंड पुलिंग माई हेयर एंड ट्राइंग टू कैरी ऑफ एवरीथिंग लूज तो अब ये सारे जो थे गोरेला के जो जो बच्चे थे वो सब आ गए उनकी मदर्स को बहुत ट्रस्ट था मुझ पर तो दे वर ऑल स्टार्टेड प्लेइंग विथ मी हिट कर रहे थे पिंच कर रहे थे निबल कर रहे थे एंड देन आई कुड हैव हैप्पीली डाइड राइट देन एंड देर एंड विस्ट फॉर नथिंग मोर ऑन अर्थ सिंपली बिकॉज दे हैड रिमेंबर्ड उस वक्त अगर मैं मर भी जाती तो मैं बहुत खुश थी क्यों क्योंकि इससे खुश इससे हैप्पी डे मेरे लिए कोई नहीं था वाई बिकॉज दे हैड रिमेंबर्ड मी उन्हें मैं याद थी While the kids cavoted a few feet from us, Effie, Park, Poppy, Tuck, and I settled down to enjoy a 45 minute palaver, all nestled up together amidst the thistle and celery clams. I’m ashamed to say I did most of the vocalizing, but with an audience like this, how could I resist? While the kids scavoted, a few farmers, का मतलब क्या होता है in a noisy, way. वो हमसे थोड़ा दूर चले गए जो बच्चे थे खेल रहे थे वो लेकिन e, Puck, Poppy and Duck, जो फीमेल्स थी और हम लोग जो थे हम लोग फोर्टी फाइव मिनट्स तक चिटचैट कर रहे थे नाउ अंड गेंसिकल डिस्कशन क्या डिस्कशन हो रहा है नहीं पता सब लोग आपस में अच्छे से बैठे हुए थे थिसल, एंड सैलरी क्रम्स मतलब वहाँ पे जो वो लोग उनके पास जो पत्ते थे वो सब उनके बीच में बैठे हुए थे आई एम अशेम टू से मतलब मुझे बोलने में अजीब लग रहा है लेकिन सबसे ज्यादा बातें मैंने नहीं करी एंड ऐसी ऑडियंस अगर हो तो कोई क्यों ना करे सो बेसिकलीट सेट शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अराउंड द गोरेज टू बी अराउंड दोज गोरेज जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड दे रिमेम्बर्ड हर एंड दे गेव हर सच अफुल वेलकम so that's it here we are done with the explanation of the chapter द चैप्टर इज वेरी सिंपल जहाँ पे फौसी की लाइफ के कुछ ब्यूटिफुल कुछ डिफिकल्ट मोमेंट्स उसने शेयर किए हैं जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे और बाद में जो उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करवाई गोरेलाज इन द मिस्ट इसी नाम से हमने इस चैप्टर को रीड किया है आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच गाइज प्लीज विजिट आवर वेबसाइट मैगनेट डॉट कॉम बिकॉज यू कैन फाइंड ऑल द वीडियोज वेरी इजिली यू ओनली हैव टू क्लिक ऑन द क्लास सेलेक्ट द सब्जेक्ट सेलेक्ट द टॉपिक एंड यू आर डन दैट्स इट थैंक यू सो मच वंस अगेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय